हाय गाइज, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर मतलब कि पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है। नॉर्मली ह्यूमंस में 120/80, जिसमें कि 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। अगर वुमेंस के बारे में बात करें तो 110/80 उन लोग का लगभग नॉर्मल होता है। अगर कंडीशन 120 से नीचे हो जाए, 120/80 से नीचे हो जाए, तो उसे लो बीपी कंडीशन कहा जाता है। कुछ कॉज के बारे में जान लेते हैं कि लो बीपी में के होने का कारण क्या है, किसके वजह से ये होता है। तो देखिए, सबसे पहले कॉजेज की बात करें तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जब पीरियड वगैरह होता है उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। नेक्स्ट, डायरिया एंड कोलेरा के वजह से काफ़ी फ्लूड लॉस होता है, उनके वजह से भी बीपी लो होता है। और जो हमारा ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी देखा जाता है, जिसकी वजह से बीपी लो होता है। नेक्स्ट है फिजिकल वीकनेस, यानी कि शारीरिक कमजोरी के वजह से भी बीपी लो होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी से पानी की कमी और टाइम पर खाना ना लेने से उसके वजह से भी लो बीपी होता है। इसके अलावा हम उपवास रखते हैं तो किसी के कारण से ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है, उससे भी बीपी लो हो सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं। ऑस्ट्रिन नाम के कैप्सूल है जिसका साल्ट है फॉलिक एसिड, साइनोकोबलामिन और फेरस फ्यूमारेट। रोज़ाना एक गोली खाना खाने के बाद इसे लेना है। जनरली क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी को ट्रीट करता है और इसमें विटामिन वगैरह होता है, और जिससे कि फॉलिक एसिड है तो इससे आयरन डिफिशेंसी ट्रीट होती है और बीपी को नॉर्मल लेवल पे ले आता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा जो कैप्सूल है वो है कैप्सूल यूनिजाइम। ये जो कैप्सूल है इसे हम सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ही लेना है। तो ये हमारा विटामिन और मिनरल्स से भरा पूरा होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। इसके अलावा आप सिरप भी ले सकते हैं जिसका नाम है बीटोफोल सिरप, जो 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, आफ्टर मील लेना है इसको भी। सो आप इस तरह से लो ब्लड प्रेशर को जांच सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।